हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, कैसे हो सभी। मुझे पता है रिलेटिव प्रोनाउन सीखने में मज़ा आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन में अब तक हम वो सब कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सीखे थे, और इसी सीरीज में एक और कॉन्सेप्ट विच और दैट का। मुझे पता है विच और दैट बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत देता है कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विच एंड दैट। आज की वीडियो पूरी देख लो और विच और दैट को प्रॉपरली हमेशा के लिए समझ के चले जाना। स्टार्ट करते हैं विच और दैट को। हमारे सामने स्क्रीन पे दो क्वेश्चन है, वीडियो को तुरंत पॉज करो, पॉज करके अपने आप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अटेम्प्ट करना क्या है कि आपके पास विच और दैट दो ऑप्शन है, इन फिलर्स में आपको फिल करने हैं। मैं इतने आपको करवाता हूँ, पॉज करके आप अपने आप से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैंने लिखा आईफोन डैश इज M&M। M&M माने मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन इज क्रेव्ड फॉर बाय यूथ। आईफोन डैश आई बॉट लास्ट मंथ गॉट लॉस्ट। ठीक है, अगर आपने अपने तुक्के मार लिए हो तो आज आपको तरीका बता देता हूं कि कैसे पता लगेगा विच और दैट, क्योंकि तुक्के मारते हुए तो आईफोन विच इज M&M बाय एप्पल या दैट इज M&M बाय एप्पल दोनों फिट हो जाएंगे। तो फिट नहीं करना, आज के बाद क्या करना है वो सीख के जाओ। हमारे पास दो चीजें हैं, एक चीज है जी विच, दूसरी चीज है दैट। ठीक है, अब एक विच और होता है जी, इस विच का शायद आपको मतलब पता हो। इस विच का मतलब एक डेमन होता है ना, एक चुड़ैल होती है, लेडी डेमन जो होती है उसको बोलते हैं विच। ठीक है, अच्छा, अब इंग्लिश में विच नाम का ये वर्ड है, इसकी प्रोनंसिएशन भी विच है, इसकी प्रोनंसिएशन भी विच है, लेकिन साइंस इस विच को क्या मानती है, इस विच को मानती है फालतू। मतलब साइंस इस टाइप की चीज़ों में, भूत पिशाच इस टाइप की चीज़ों में विश्वास नहीं करती। तो साइंस कहती है कि ये विच जो है ना, ये एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे साइंस इस विच को एडिशनल मानती है ना, इंग्लिश इस विच को एडिशनल मानती है, एक्स्ट्रा मानती है इसको। एक्स्ट्रा मानती है का मतलब, एक्स्ट्रा मानती है का मतलब कि देखो किसी भी सेंटेंस में ना विच और दैट देखो आना तो तभी है, रिलेटिव प्रोनाउन तो तभी आना है ना जब दो वर्ब्स होंगी। दो वर्ब्स होंगी मतलब दो क्लोजेज होंगे, दो क्लोजेज होंगे मतलब वहां पे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होंगी, है ना। तो जो दो क्लोजेज वहां पे आ रहे हैं और जहां पे विच और दैट लग रहा है ना, अगर वो विच और दैट वाला क्लोज नेसेसरी है, अगर वो क्लोज नेसेसरी है, नेसेसरी किस तरीके से अभी सेंटेंस में समझाता हूं, अगर वो नेसेसरी है तो आपको चाहिए दैट। अगर वो चीज नेसेसरी है तो आपको चाहिए दैट। नेसेसरी मतलब सेंटेंस मेकिंग के लिए नेसेसरी, लेकिन अगर वो चीज नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है, तो आपको चाहिए विच। ध्यान से देखते हैं, पहला सेंटेंस लिखा है आईफोन डैश इज M&M बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। मान लो इस इंफॉर्मेशन को, अब सेंटेंस में से मैं गायब कर दूं, सेंटेंस बचता है आईफोन इज क्रेव्ड फॉर। क्रेव्ड फॉर का मतलब होता है डिजायर्ड। क्रेव्ड फॉर का मतलब क्या होता है, डिजायर्ड, डिजायर्ड बाय यूथ। आईफोन इज डिजायर्ड बाय यूथ। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने आपको ये बताया कि आईफोन इज डिजायर्ड बाय यूथ, क्या मुझे ये बताना जरूरी है क्या वो वाला आईफोन जो एप्पल बनाता है, क्या ये बात सबको पहले से पता है कि एप्पल ही है जो आईफोन बनाता है। अब कह तो दिया लोगों ने कि गरीबों का आईफोन MI, ठीक है, ऐसा भी बोला जाने लगा, लेकिन वो MI जो बना रहा है वो MI ही है, वो आईफोन नहीं है, है ना। अब सैमसंग तो आईफोन बनाता नहीं, तो ये जो इंफॉर्मेशन थी बीच में कि डैश इज M&M बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन, ये एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। इस इंफॉर्मेशन के बिना भी सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सही था। कैसे, देखो आईफोन इज क्रेव्ड फॉर बाय यूथ, भाई आईफोन जो है डिजायर्ड है, किससे डिजायर्ड है, बाय यूथ, ठीक है, मीनिंग निकल के आ रहा है। लेकिन अगला सेंटेंस देखते हैं एक बार, ये आईफोन डैश आई बोट लास्ट मंथ, ये एक क्लोज था इसके बीच में। अब सेंटेंस बचा आईफोन गॉट लॉस्ट। मैंने कहा आईफोन गुम हो गया। अगर मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊं कि आईफोन गुम हो गया, और पहली बात मैंने आपको बताई कि आईफोन यूथ पसंद करते हैं, जब मैंने पहली बात बोली आईफोन यूथ पसंद करते हैं, तो इसमें आप ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाले भाई कौन सा आईफोन। लेकिन जब मैं कहूं कि आईफोन गुम हो गया, तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर कौन सा आईफोन, कौन सा आईफोन गुम हो गया। फिर मैंने जवाब दिया डैश आई बोट लास्ट मंथ, डैश आई बोट लास्ट मंथ, जो मैंने पिछले महीने खरीदा था।
अब यहां पे आईफोन गोट लोस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बिना, यानी कि ये इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है जी नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है नेसेसरी इंफॉर्मेशन। एंड इफ द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, इफ द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, तो हर हाल में हमें चाहिए दैट। एंड इफ द इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी, हमें चाहिए विच। शायद मैं आप सबको समझा पाया हूं कि विच हमें तब चाहिए जब बीच में आने वाली इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन में हम विच यूज कर रहे हैं, वो सेंटेंस में अननेसेसरी है, और दैट हम तब यूज कर रहे हैं जब वो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। इसी बात को दो और एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन और लिखे हैं, आप फिर से अपने आप से एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, पॉज कर लो यहीं पर वीडियो को और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं पढ़ रहा हूं, बेबी फूड्स डैश कंटेन सोयाबीन्स आर बेस्ट। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को सेंटेंस से रिमूव कर दूं, मेरे पास क्या बचा, बेबी फूड्स आर बेस्ट। मेरे पास बचा जी बेबी फूड्स आर बेस्ट। मैंने कहा यार बच्चों के खाना, बच्चों का खाना अच्छा होता है, बेबी फूड्स आर बेस्ट। क्वेश्चन पूछोगे ना सर कौन सा खाना, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, या किस टाइप का खाना, बच्चों का खाना और बड़ों का खाना तो सेम भी हो सकता है। मैंने कहा बेबी फूड्स आर बेस्ट, कौन से बेबी फूड्स आर बेस्ट, डैश कंटेन सोयाबीन्स, जिनके अंदर क्या होती है सोयाबीन्स होती हैं, तो सोयाबीन्स के लिए मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मुझे यहां पे चाहिए दैट। ऐसे अगला देखो, सोयाबीन बेबी फूड्स डैश आर आरजूज फेवरेट, वर्क वेल फॉर हर डाइट। ठीक है, अब इस हर को एक बार रिप्लेस कर लो आरजू से। ठीक है, इस हर को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, आरजू से। अब मैंने लिखा सोयाबीन बेबी फूड्स वर्क वेल फॉर आरजूज डाइट, क्या ये सेंटेंस इतना बोलने पे भी कंप्लीट हो रहा है, सोयाबीन बेबी फूड्स वर्क वेल फॉर आरजूज डाइट अपने आप में कंप्लीट है। डैश आर आरजूज फेवरेट, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो सेंटेंस में रिक्वायर्ड नहीं थी, तो इसलिए मुझे फिर से क्या चाहिए, विच चाहिए। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन मेरे पास फिर से एग्जांपल है, हम फिर से इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पॉज कर लो, अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, मैं आपको बता रहा हूं। कार्स डैश यूज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गिव गुड माइलेज। अगर मैं सेंटेंस को इतना लिख दूं, कार्स गिव गुड माइलेज, क्या ये चीज हर कार पे एप्लीकेबल है, क्या हर कार गुड माइलेज देती है। मैं यूं कहूं कार अच्छी एवरेज देती है, अरे कौन सी कार, मारुति की कार, टाटा की कार, टोयोटा की कार। अगर किसी को ये लगता हो जी नहीं सर सारी कार्स ही अच्छी एवरेज देती हैं, तो भैया तुम लोगों ने फिर अभी टाटा सफारी वालों से पूछा नहीं कि टाटा सफारी वाले कितने परेशान हुए थे एवरेज को लेके। तो कार्स डैश यूज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गिव गुड माइलेज, वो कार्स अच्छी माइलेज देती हैं जो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी इन्फॉर्मेशन थी, नेसेसरी थी, तो दैट चाहिए। ऐसे ही अगला लिखा है, कार्स डैश आर ए यूजफुल मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कम इन डिफरेंट मॉडल्स। कार्स कम इन डिफरेंट मॉडल्स, कौन सी कार भाई, कार्स के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, कौन सी की जरूरत ही नहीं है, तो विच आर ए यूजफुल मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई, सिंपल सा फंडा है। वो सिंपल सा फंडा यह है कि अगर इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे हमें विच चाहिए, अगर इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है तो वहाँ पे हमें दैट चाहिए। एक्स्ट्रा है तो विच, नेसेसरी है तो दैट। दो क्वेश्चन और देख लो, सेंटेंस लिखा चेयर्स डैश डोंट हैव ए बैक आर माई लीस्ट फेवरेट। अगर मैं इतना बोल दूँ कि चेयर्स आर माई लीस्ट फेवरेट, तो इसका मतलब शायद ये हो गया कि सारी चेयर्स, मैं किसी चेयर को पसंद ही नहीं करता, लेकिन यहां पे कुछ और कहा जा रहा है, चेयर्स डोंट हैव ए बैक, वो चेयर्स मुझे पसंद नहीं है, कौन सी चेयर, दैट डोंट हैव ए बैक, तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, दैट। अगला सेंटेंस लिखा है, माय फ्लैट डैश हैज ए ब्लैक गेट वॉज पेंटेड लास्ट मंथ। माय फ्लैट डैश हैज ए ब्लैक गेट वॉज पेंटेड लास्ट मंथ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, मुझे इस क्वेश्चन के लिए कमेंट चाहिए आपका कि इस फिलर में आप क्या भरने वाले हो, विच भरने वाले हो या दैट भरने वाले हो। ठीक है जी,
ये फिलर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारी विच और दैट की कहानी इतनी ही है, बात इतनी ही है कि दैट जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है और विच जो है वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा विच और दैट के बारे में कुछ और चीज़ें हैं वो हम अगले एपिसोड में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक यू।